नमस्ते दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक युद्ध स्मारक में जो सहस्त्रधारा रोड के पास में है। ये एंग्लो गोरखा वार का एक युद्ध स्मारक है जहाँ हम आए हैं आज घूमने। ये पार्क है, इसको खलंगा पार्क बोलते हैं, और खलंगा पार्क खलंगा किला है जहाँ अभी हम जाएंगे, वहाँ फिर उसकी कहानी सुनाएंगे। लेकिन अभी आपको ये दिखाते हैं खलंगा का जो पार्क है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है, और अपने बहादुर जो उनका जनरल था गिलिप्सी, मेजर जनरल गिलिप्सी की याद में बनाया है। और अच्छी खास बात यह है ब्रिटिशर्स के बीच में कि उन्होंने जो उनकी दुश्मन जो सेनापति था, दुश्मन सेना का बलभद्र, उसको भी सम्मान दिया है। तो आप देख रहे हैं ये दो स्मारक हैं, ये वाला जहाँ ये स्मारक जो है युद्ध स्मारक, ये इन्होंने अपने जो मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो ग्लिप्सी उसके सम्मान में बनाया है। वो पहले ही दिन युद्ध में शहीद हो गए थे, गोली लग गई थी उनकी छाती में। ये तो है उनके सेनापति का ब्रिटिशर्स के। और ये दूसरा वाला जो स्मारक है, ये उन्होंने जो उनका दुश्मन था बलभद्र को ट्रिब्यूट किया है उनके जो है बहादुरी के ऊपर, क्योंकि उसको मार नहीं पाया, वो जिंदा यहाँ से चला गया था, तो ये उसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चल रहे हैं खलंगा स्मारक में, खलंगा का किला जहाँ पर था। असल कहानी कुछ यूं है, कहानी या इतिहास, ये तो लिखित इतिहास है कि हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। गढ़वाल में राजा प्रद्युमन साहब, सन 1803 नवंबर दिसंबर की बात है, वहाँ पे युद्ध होता है खुलबड़े में, और खुलबड़े के युद्ध में जो प्रद्युमन साहब है वो शहीद हो जाते हैं। वो जब वहाँ शहीद हो गए, तो शहीद होने के बाद 1804 में गढ़वाल और देहरादून सहित पूरे गढ़वाल के अंदर गोरखाओं का शासन हो गया। तो जब यहाँ गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया 1804 में, तो खलंगा जो ये जगह है यहाँ पे उन्होंने एक किला बनाया, और अमर बहादुर के जो भतीजा है बलभद्र, उसके नेतृत्व में यहाँ सेना दे दी गई 300-400 आदमियों की, और यहाँ का जो कार्यभार है देहरादून का वो उनके सुपुर्द कर दिया, और अपने आप फिर वो सतलुज की तरफ बढ़ गए। बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ही था, नेपाल को वो अंग्रेज छेड़ नहीं रहे थे। लेकिन जो नेपाल के जो सेनाएं थी उन्होंने बटोल, गोरखपुर, बिहार का जो हिस्सा लगा हुआ है मधेस वाला, वहाँ पे कुछ अंग्रेजों के साथ झड़पें शुरू हो गई। वो झड़पें आखिर इतनी बढ़ गई कि गोरखपुर के अंदर एक पुलिस अफसर का नृशंसापूर्वक हत्या कर दी गई। उससे जो ब्रिटिश शासन था बौखला गया, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय थे उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब युद्ध की जब घोषणा हो गई तो क्या हुआ कि चार हिस्सों में यह सोचा गया, चार ढंग से आक्रमण होगा, तो फौज को चार भागों में बांट दिया गया। मेजर जनरल वुड को अपना गोरखपुर में भेजा गया 3,500-4,000 सैनिकों के साथ में, तो हुआ यूं। और दो ऑक्टलोनी, मेजर जनरल ऑक्टलोनी को जो यमुना के पार सतलुज वाला हिस्सा है उधर लड़ने के लिए भेजा गया, और मेजर जनरल गिलिप्सी उनको देहरादून में आक्रमण करने के लिए कहा गया। हुआ यूं कि जो उधर दो थे बटोल और गोरखपुर के अंदर, वो नाकाम हो गई उनकी सेना, फेल वहां पे अंग्रेज हो गए। गिलिप्सी की ये योजना थी, बड़ा बहादुर सैनिक था मेजर जनरल, ये योजना थी कि अपना जो गोरखाओं का राज है उनको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। गिलिप्सी सहारनपुर पहुंच गए, वहां से दो कॉलम बनी फौज, एक कॉलम तिमली के रास्ते आती है, दूसरी कॉलम मोहन वाले रास्ते से आती है। और 24 अक्टूबर को
24 अक्टूबर 1814 को दोनों जो सेनाएं थी जो अलग अलग हिस्से देहरादून में प्रवेश किया वो देहरादून में इकट्ठे ही आते परेड ग्राउंड पे। अब मॉकबे कर्नल मॉकबे उस समय थे फिलिप्स आए नहीं, तो मॉकबे ने सोचा क्योंकि ऐसी हेरसी की रिपोर्ट थी कि कब्जा हो जाएगा बहुत कम लोग हैं, और यहाँ बलभद्र जहाँ जा रहे हैं इस किले में वहाँ पे बलभद्र के पास में 300-400 करीब आदमी थे सैनिक, और हिलिप्सी के पास 3,500 सैनिकों का फोर्स था। हाँ तो 3,500 सैनिक अंग्रेजों के और 300 सैनिक गोरखाओं के। अब सोचा यह गया कि तुरंत कब्जा हो जाएगा यह किला तो बस एक कर लिया जाएगा, तो मॉकबे ने हमला कर दिया। वो हमले से कुछ हुआ नहीं है, वो बेकार गया, कुछ फर्क नहीं, दोबारा वहाँ चले गए अपने। अब गिलिप्सी भी पहुँच जाते हैं 26 अक्टूबर देहरादून, और वो यहाँ की योजना बनाते हैं लड़ाई। अब गिलिप्सी जब आ जाते हैं तो योजना बना के उन्होंने इसको 3-4 हिस्सों में अपनी सेना को बांटा, कहा अलग अलग 4 हिस्से बांटे और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे ही हम हमला करेंगे एक साथ हमला करना है। उनके पास में पाउंडर्स भी थे और तोपें भी थी, सैनिक तो थी 3,500। अब मेजर जनरल गिलिप्सी अपने चारों तरफ से इसको घेरने की कोशिश करता है किले को। ये देहरादून की सबसे ऊंचाई पर ये किला है, फोर्ट था। तो जब वो घेरते हैं यहाँ पे होता ये है कि जो उनके सिग्नल्स थे जो उन्होंने रात गुप्त बातें की थी, जैसे वो सिग्नल करेंगे तो तुरंत हमला एक साथ करेंगे अचानक, लेकिन कह नहीं सकते क्यों कि वो सिग्नल फॉलो नहीं हो पाया और हमला एक साथ करने में नाकाम है। लेकिन गिलिप्सी बड़ा बहादुर था, उसने सेनाओं को युद्ध के लिए जोश भरा और बीच में खड़े होके वो अपने कहते हैं कि कैप को हिलाते हुए अपने हेड को हिलाते हुए सैनिकों से आगे बढ़ने की बात। अब तो सैनिकों से वो आगे बढ़ने की बात कर रहा था, इसी बीच में युद्ध शुरू हो गया और एक गोली गिलिप्सी की छाती में लगी, गिलिप्सी वहीं ढेर हो गया। बड़ा नुकसान ब्रिटिश सेना को झेलना पड़ा था उस लड़ाई में, 36 अधिकारी मारे गए थे इनके, और 350-400 फौजी कई घायल, गोरखों का कुछ नहीं किया, युद्ध रोक दिया गया। मेजर जनरल गिलिप्सी को सब को कैसे, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान उस जमाने में थे नहीं, कैसे दफनाएं क्या करें, तो उनको एक पीपे में रम के अंदर रम का एक पीपा बनाया गया ताकि जहाज सड़े ना, क्योंकि कोई वाहन कोई जहाज तो होते नहीं थे उस जमाने में, और उसको जो है मेरठ भेजा गया कब्रिस्तान। आज भी मेरठ के जो कब्रिस्तान है वहाँ जन्म जो मेजर जन्म गिलिप्सी है वहाँ दफन है। लेकिन यहाँ गोरखाओं का युद्ध, गोरखा बहादुर बलभद्र की जो वीरता है वो एक यादगार स्वाद। अब जो मॉकबे उनके हाथ में कमान आ जाती है, वो इंतजार करते हैं दिल्ली से और ताकत और मिलिट्री का असला आने का फौज। अब 26 नवंबर 1814 को दिल्ली से एक बैटरी ट्रेन आ जाती है, मतलब पूरा फौजी साजो सामान से लदी हुई ट्रेन, इसमें फौजी साजो सामान। अब वो 27
नवंबर को हमला करते हैं साहब। उस हमले में 22 नवंबर 1814 यहाँ गोरखा पड़ा है बलभद्र के नेतृत्व में। उस हमले के अंदर अंग्रेजों को जो सोचा था उन्होंने कि हम तुरंत कब्जा फिर कर लेंगे, कर नहीं पाए और घमासान युद्ध हुआ, कई सैनिक मारे गए ब्रिटिशर्स के ग्रुप को, जो उनको जो है अंग्रेजी की सेना को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, कई घायल हो गए, कई मर गए, लेकिन वो किले पर कब्जा नहीं कर पाए। और मालूम है आपको ये किला कोई बहुत मजबूत नहीं था, उस बलभद्र ने इस किले को लकड़ियों से ढका हुआ था, पत्थर अंदर भरे हुए थे और लकड़ी और पत्थर से बना हुआ ये किला अंग्रेजों के लिए जुलझे हो गया था, जीतना मुश्किल हो गया, इतनी बहादुरी से लड़े, वो पत्थर से ही लड़ लिए। अब हुआ यूं कि किले का पानी खत्म हो गया, राशन पानी, नीचे तालाब है, अभी आपको दिखाएंगे जहाँ आज मेला भी चल रहा है, उस तालाब से पानी यहाँ आता है, सागर ताल उसको बोलते हैं। अब उस पानी को बंद कर दिया गया, अंग्रेजों ने क्या किया, किले का पानी और खाना रस दोनों का जो सप्लाई था वो सप्लाई चेन काट दी। अब सप्लाई चेन काट दी तो पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो फिर तो रहना मुश्किल काम था। उससे गोरखाज क्या करें बेचारे, भूखे प्यासे तो कैसे लड़े, जिंदा रहना मुश्किल काम। आखिर उन्होंने ये तय किया, किले को छोड़ना मंजूर किया और बलभद्र अपने 30 आदमियों के साथ, तो वीर बलभद्र जिनको कहा जाता है, जिनका आज की तारीख में मेला भी लगता है, तो वो किले को छोड़कर अंग्रेजों की सेना के बीच से चीरते हुए उस सेना को निकल गए सुरक्षित, ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आए। ऐसा बहादुर सैनिक था वो।